हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जीमान इफेक्ट स्टार्ट किया था और जीमान इफेक्ट का एक आइडिया ले लिया था कि क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन और कुछ बातें पढ़ी थी हमने, उसका कुछ फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था। और हमने ये बोला कि जीमान इफेक्ट क्या होता है, किसी भी एटम को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो एनर्जी लेवल्स है वो और एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ऊर्जा स्तरों का विपाटन हो जाता है, उसके उप ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। और जो उप ऊर्जा स्तर बनते हैं, विपाटन जो होता है उसके लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, इस एनर्जी के फॉर्मूले से उसका विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होता है, ये है ना। मैं बोल रहा हूँ कि बार बार ये, फिर पहले भी मैंने बोला था कि ये जो यहाँ पर है, कई बार यहाँ पर ज़्यादा जगह पर आप देखोगे तो इसको यहाँ पर केवल बी लिखा हुआ रहता, बी जेड नहीं लिखा रहता, लेकिन बी का मतलब भी आपको बी जेड ही है। वो बी का मतलब ये समझा जाता है कि पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, दैट इज बी, ठीक है, ये है। अगर हम लोग आगे बात करें इसके, तो सुनो, हाँ, अब इसका कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसकी व्याख्या करो, ऐसे बोल देते हैं। ये तो जीमान इफेक्ट के बारे में आइडिया हो गया, इसकी व्याख्या देखो, जीमान इफेक्ट की व्याख्या, जीमान प्रभाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान इफेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। अपने को पता है कि एक एल के करेस्पॉन्डिंग 2L+1 इतने एनर्जी ऊर्जा स्तर बनते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ। Since L के समकक्ष 2L+1 उप ऊर्जा स्तर बनते हैं, तरों का निर्माण होता है, ये ऊर्जा स्तर बनते हैं, ऊर्जा स्तर बनते हैं, There will be 2L+1 new energy levels, there will be 2L+1 new energy levels corresponding to L, ठीक है, ये पता है। अब देखो मैं कुछ केसेस लेता हूँ। केस फर्स्ट, फॉर S जानते हो ना, S एनर्जी लेवल होता है, S उपकोष बोलते हैं, सब शेल बोलते हैं जिसको, फॉर S सब शेल, S उपकोष, इसके लिए L जो होता है, L कितना होता है, जीरो होता है। L जीरो होगा तो 2L+1 कितना होगा इसके लिए, ये कितना होगा, 2L+1 कितना होगा, 2L+1 होगा इसके लिए 1। इसका मतलब है कि ये तो केवल एक एनर्जी लेवल ही बनाएगा, विपाटित होने के बाद में कितना बनाएगा, एक ही, पहले भी एक ही, अब भी कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा। मतलब जैसे S का एनर्जी लेवल है ये, तो विपाटन होने के बाद में भी वन ही रहेगा, एक ही रहेगा। आई बात समझ में, ये S है, ये 2L+1 से विपाटन होने के बाद में है, ये L का वैल्यू जीरो है इसके लिए, तो केवल एक ऊर्जा स्तर में विपाटन होता है, मतलब एक तरीके से कोई विपाटन ही नहीं हुआ। अरे एक था, अब भी एक ही है, मतलब विपाटन नहीं हुआ इसका, इसका विभाजन नहीं हुआ, स्प्लिटिंग नहीं हुआ, विपाटन नहीं होता है, नो स्प्लिटिंग, ये किसके लिए हो गया, एस के लिए हो गया। केस टू की बात करते हैं हम लोग, केस टू के लिए, फॉर पी सबशेल, पी उपकोश,
पी उपकोष के लिए अगर बात करें तो देखो एल का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो टू एल प्लस वन जो होता है वो कितने हो गए, टू इंटू वन प्लस वन, ये थ्री वैल्यूज हो गए। तो थ्री वैल्यूज एम एल के हो गए, तो एम एल जो होंगे माइनस वन ज़ीरो और वन, ये मिलते हैं तीन वैल्यू मिलेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से प्लस एल तक होते हैं, तो माइनस एल से मतलब माइनस एल का मतलब है माइनस वन से प्लस वन तक, ये यहाँ से तीन वैल्यू मिल गई है। अब इसके हिसाब से जो एनर्जी लेवल होंगे वो एनर्जी देखो, मतलब ऐसा है कि पहले एक एनर्जी लेवल था, एक में था ये, अब तीन बन गए ऐसे, एक वहीं का वहीं और ये एक नीचे, ठीक है। अभी इनके पहले देखो ये था, ये P था, अब ये 2L प्लस 1 के हिसाब से बन गया, तो ये इसका इसका पहले एक ही था, अब देखो तीन बन गए। तो तीन में एक तो जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का देखो अपने पास फॉर्मूला हुआ करता था U इक्वल्स टू एम एल म्यू बी और बी जेड। तो U का जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो एम एल के हिसाब से आएगा, तो एम एल एक तो माइनस वन है, प्लस वन और जीरो है, जीरो पे तो जीरो रहेगा। तो ऐसे देखो, इफ एम एल इज इक्वल्स टू जीरो, तो U का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। एम एल इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो U कितना हो गया, माइनस म्यू बी बी जेड। और एम एल इज इक्वल्स टू अगर प्लस वन है तो U कितना आया, म्यू बी बी जेड, ये आया। चलो इसका मतलब है कि एम एल वन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसमें बढ़ रही है, देखो पहले यहाँ पे थी अब एनर्जी बढ़ रही है, तो ये एल इज इक्वल्स टू प्लस एम एल इज इक्वल्स टू प्लस वन के लिए है, इसमें कुछ नहीं बराबर है उतनी, मतलब एनर्जी में कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब एल इज इक्वल्स टू जीरो पे, एल के करेस्पॉन्डिंग ये एल इज इक्वल्स टू माइनस वन के करेस्पॉन्डिंग, इसमें एनर्जी इतनी कम हो गई, मतलब इतनी कम हो गई कितनी, म्यू बी बी जेड, ये इतना गैप है, माइनस का मतलब नीचे आ गया, और इसमें ये म्यू बी बी जेड, तो इन दोनों के बीच में गैप बराबर है, ठीक है। ये L के लिए इस तरीके से होगा, ये इसके लिए L इज इक्वल टू कितना है, वन है। ये P उपकोष का इस तरीके से एक एनर्जी लेवल तीन में डिवाइड हो गया, तीन में स्प्लिट हो गया, ये L का हो गया। अब मैं D का बताऊं, एक और का डिस्कस कर लेते हैं, इतना डिटेल में जाते नहीं, लेकिन एक और का कर लेते हैं, एस पी डी का और कर लेते हैं, के एस थ्री फॉर डी सबसेल डी उपकोष। देखो डी उपकोष के लिए क्या होता है, डी उपकोष के लिए जो L का वैल्यू है, L का वैल्यू कितना होता है, दो होता है, तो 2L प्लस वन कितना हो गया, 2L प्लस वन हो गया, 2 इंटू टू प्लस वन, फाइव हो गया। फाइव कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस L से प्लस L तक, तो ML के जो वैल्यू होता है माइनस L से प्लस, मतलब माइनस टू से प्लस टू तक, तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ऐसे पाँच वैल्यू मिलेंगे। तो पाँच वैल्यू मिले अपने को, तो ऐसा है, एक तो ये कौन सा है, ये D है, D L का वैल्यू टू, तो ये पाँच में डिवाइड होगा, एक दो, एक यहाँ पे बनेगा, चार, ये पाँच, ठीक है। ये L इज इक्वल्स टू एम एल इज इक्वल्स टू प्लस टू के लिए रहेगा, ये एम एल इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस वन के लिए रहेगा, ये एम एल इज इक्वल्स टू जीरो के लिए रहेगा, ये एम एल इज इक्वल्स टू माइनस वन के लिए रहेगा, ये एम एल इज इक्वल्स टू माइनस टू के लिए रहेगा। और एनर्जी की बात करूँ तो, एनर्जी की बात करूँ तो ये वही म्यू बी बी जेड रहेगा, प्लस वन है तो, और उसमें डबल हो जाएगा, ये भी म्यू बी बी जेड रहेगा, ये भी कितना है, म्यू बी बी जेड रहेगा, ये भी इनके बीच का भी गैप उतना ही है, म्यू बी बी जेड ये भी है उतना ही, म्यू बी बी जेड, सबका गैप बराबर है। इसी तरीके से एफ जो होता है, एफ साथ में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से इनका स्प्लिटिंग हो जाता है। अब देखो ये तो चलो समझ में आ गया मेरे को बात, कि इनका इस हिसाब से होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये तो अलग अलग बता दिया मैंने, अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि उसमें पहले एक लाइन बन रही थी और अब लाइन नंबर ऑफ लाइन कैसे स्पेक्ट्रम में चेंज होगी। एग्जांपल देखो, पहले ऐसा एक कोई एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा था कि एक L, ये P उपकोष है, P उपकोष में है कोई P सबसेल, P सबसेल है ये, L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है वन, यहाँ पे S है, S
एस में एल का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो पहले जितने, पहले कितने ट्रांजिशन हो सकते थे, पहले संक्रमण एक ही हो सकता था। तो स्पेक्ट्रम में लाइन भी कितनी मिल रही थी, स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिल रही थी वो भी कितनी मिल रही थी, एक लाइन मिल रही थी स्पेक्ट्रम में। जो लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता था तो स्पेक्ट्रम में केवल एक लाइन मिल रही थी ऐसे, ठीक है। अब देखना, और इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो मान लो न्यू नॉट, मान लो जो एनर्जी यहाँ से इन दोनों के बीच से जो एनर्जी निकल रही थी उस एनर्जी को ले लो मान लो ई नॉट, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो जो एनर्जी ई एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, जो ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एच न्यू नॉट। क्लियर है ये बात है। ये पी उपकोष के लिए, पी सबसेल के लिए। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, दूसरा ये पी के लिए हो गया। ये कब था, नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पी तीन में डिवाइड हो जाएगा, पी तीन में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, एक एक यहाँ पे और एक इतना ही नीचे। और ये एस है, एस तो एल बराबर जीरो के लिए केवल एक में होता है, ये केवल इसमें रहेगा, इसमें, ठीक है। तो देखो ये एल इजिक्वल्स टू प्लस वन के लिए, एम एल इजिक्वल्स टू, ये एम एल इजिक्वल्स टू जीरो के लिए, ये एम एल इजिक्वल्स टू माइनस वन के लिए, ठीक है। एनर्जी अपने को पता चल गई कि अभी जैसे पहले कैलकुलेट की थी, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो कितनी है, म्यू बी बी जेड, और इन इन दोनों के बीच की भी कितनी है, म्यू बी बी जेड, ठीक है। यहाँ की एनर्जी मान लो ई नॉट है, यहाँ की कितनी, मतलब इन दोनों के बीच की जो एनर्जी कितनी है, ई नॉट ले लो, इसको ई नॉट ले लो, ई नॉट ले लो यहाँ, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन, पहले तो एक ही एनर्जी, एक ऊर्जा स्तर था, तो एक से एक ही पॉसिबल था, एक ही संक्रमण हो सकता था कि यहाँ से यहाँ आ जाए। अब तीन संक्रमण पॉसिबल अपने पास में, एक तो यहाँ से यहाँ आ जाए, एक यहाँ से यहाँ आ सकता है, और एक यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो तीन ऊर्जा स्तर मिल गए अपने को, तीन तीन लाइन मिलेगी। तो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम के अंदर भी अपने को तीन लाइन मिलेंगे। जैसे अब स्पेक्ट्रम अगर बनाते हैं हम लोग, तो अब स्पेक्ट्रम के अंदर तीन लाइन मिलेगी, तीन लाइन मिलती है अपने को। तो पहले एक लाइन मिल रही थी, अब तीन लाइन। अब देखो ये वाली जो है, ये आ रही है यहां से, इस एनर्जी लेवल से यहां पे। तो इसके लिए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके लिए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी बीच वाली के लिए, वो तो होगी न्यू नॉट, पहले, क्योंकि पहले भी इतनी थी अब भी इतनी आएगी। लेकिन इसके लिए देखो, इसके लिए, इसके लिए एनर्जी देखो, पहले ये इतना था, इतने के लिए न्यू नॉट है, यहां से आ रहा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, यहां से यहां आएगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है यहां पर, तो एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। एनर्जी गैप जो है यहां से लेके यहां तक ज्यादा है, कितना है देखो, इन दोनों के बीच में कितना, ई नॉट के बराबर है, और ये कितना है, म्यू बी बी जेड। तो ये पूरा कितना हो गया, ई नॉट, तो यहां से यहां तक प्लस म्यू बी बी जेड। तो इसके लिए जो एनर्जी है, इसके लिए एनर्जी जो है वो ई नॉट प्लस म्यू बी बी जेड, और इसके लिए ये एनर्जी गैप कितना है, ये पूरा ई नॉट, ये ई नॉट है, ये कितना है, म्यू बी बी जेड। तो ई नॉट माइनस म्यू बी बी जेड, ये कितना है, ई नॉट माइनस म्यू बी बी जेड, चमका। तो इसके करेस्पॉन्डिंग मान लो कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है न्यू वन बोल लो, इसके करेस्पॉन्डिंग न्यू टू। अभी इन फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी तो पता चली गई ना। इसके लिए एनर्जी मान लो ये ई वन है या कुछ, इसको एनर्जी बोल लो ई टू। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये मैं अब एक्सप्लेन कर, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, जो भी बोला मैंने, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो इसमें लिखो पहले। माना कोई परमाणु, माना कोई परमाणु में दो ऊर्जा स्तर, माना कोई परमाणु में दो ऊर्जा स्तर L बराबर वन तथा L बराबर जीरो है, L बराबर वन तथा L बराबर जीरो है, अर्थात L बराबर जीरो, L बराबर वन तथा L बराबर जीरो है, अर्थात P तथा S उपकोष है, P तथा S उपकोष है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में
केवल एक स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में केवल एक स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है, जैसे ये पहले मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में था, तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, एक स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है, इंग्लिश में लिख लो और बाकी आप डायग्राम बना लो, हिंदी वाले डायग्राम बना लो, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ तब तक। लेट देर आर टू एनर्जी लेवल्स करेस्पॉन्डिंग टू एल इजिक्वल्स टू जीरो एंड एल इजिक्वल्स टू वन, एल इजिक्वल्स टू जीरो एंड एल इजिक्वल्स टू वन रेस्पेक्टिवली, सॉरी एल इजिक्वल्स टू जीरो एंड एल इजिक्वल्स टू वन फॉर एस एंड पी सबशेल, फॉर एस एंड पी सबशेल रेस्पेक्टिवली, फॉर एस एंड पी सबशेल रेस्पेक्टिवली, फॉर एस एंड पी सबशेल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, पता चली। चलो ये बात क्लियर है कि हमारे पास में ये चीज़ है। अब आगे कुछ बात करें। अब ये डायग्राम छाप लेना है ना, और उसके बाद में लिखना है, पॉज करके यहाँ पे छाप लेना, इसके बाद में लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पी उपकोश तीन नए ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है, तीन नए ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाता है, तथा एस उपकोश का कोई विपाटन नहीं होता, तथा एस उपकोश का कोई विपाटन नहीं होता। इंग्लिश में लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसेल पी विल स्प्लिट इंटू थ्री सब एनर्जी लेवल्स, सबसेल पी विल स्प्लिट इंटू थ्री सब एनर्जी लेवल्स एंड सबसेल एस विल बी अनस्प्लिटेड। ये इसका कोई स्प्लिटिंग नहीं होता, ये कोई विभाजन नहीं हुआ, इसका तीन हो गया। तो अब क्या हुआ, तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, अतः अब पी उपकोश से एस उपकोश में तीन प्रकार से संक्रमण हो सकता है जिसके सापेक्ष तीन स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होते हैं। Now, there are three possibilities of transition. There are three possibilities of transition from P subshell to S subshell. From P subshell to S subshell. So, there will be three lines in the spectrum. There will be three lines in the spectrum. ठीक है, ये तो बीच वाली होगी, ये इससे कम एनर्जी वाली, ये ज़्यादा एनर्जी वाली। तो मैं न्यू वन और न्यू टू की वैल्यू क्या कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो, इसको आप प्रथम जीमान विपाटन बोलते हैं, इसको द्वितीय जीमान विपाटन बोलते हैं, ये फर्स्ट जीमान स्प्लिटिंग, ये सेकंड। तो प्रथम जीमान विपाटन देखो, फर्स्ट जीमान, या मैं इसको ऐसे बोल लूँ, फर्स्ट सेकंड छोड़ो, संक्रमण कौन सा हो रहा है, संक्रमण जैसे
ये लिखो एल एम एल इक्वल्स टू माइनस वन से ये इसमें आ रहा है ना, इसके इसके करेस्पॉन्डिंग जो एम एल है, एम एल यहाँ पे जीरो है, तो एम एल इज इक्वल्स टू माइनस वन से एम एल इज इक्वल्स टू जीरो में संक्रमण ट्रांजिशन फ्रॉम एम एल इज इक्वल्स टू माइनस वन टू एम एल इज इक्वल्स टू जीरो। ये जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ से यहाँ में, क्योंकि ये ई नोट है, ये म्यू बी बी जेड है, तो ई नोट माइनस म्यू बी बी जेड, तो एनर्जी जो है उसको लिख दिया मैंने ई वन, और ई वन कितना होगा ई नोट माइनस म्यू बी बी जेड, या बी बी लिख देते हैं इसको, ऐसा है ना। ई ई ई वन को मैं ऐसे लिखता हूँ एच न्यू ई वन, न्यू वन, और ये है एच न्यू नोट माइनस म्यू बी बी जेड। इसको इधर ले आऊँ तो ये इसको इधर ले जाऊँ तो ये सो जाएगा एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू वन इजक्वल्स टू म्यू बी बी जेड। इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, इसमें न्यू नॉट माइनस न्यू वन एच बचा, एच को इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आ गया अपने पास में एक फॉर्मूला, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, क्योंकि म्यू बी का जो वैल्यू होता है, सिंस म्यू बी जो होता है, म्यू बी होता है ई एच कट अपॉन टू एम, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है न्यू नॉट माइनस न्यू वन इज इक्वल टू ई एच कट बी जेड अपॉन टू एम एच, और एच कट क्या होता है, एच कट होता है एच बाई टू पाई, टू पाई का हो गया फोर पाई एम एच बी जेड, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया ई बी जेड अपॉन फोर पाई एम, ये हो गया डेल्टा न्यू, फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आया है ना, आवृत्ति में जितना अंतराल आया है ये, इसको जीमान विपाटन आवृत्ति भी बोलते हैं, जीमान स्प्लिटिंग फ्रीक्वेंसी, जीमान विपाटन आवृत्ति, जीमान स्प्लिटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना चेंज आ गया फ्रीक्वेंसी में, ये चेंज आ गया। एक तो ये हो गया, यहाँ से एक चीज़ और बताई जाती है, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो केवल न्यू नॉट भी बोला जाता है, यहाँ से न्यू वन अगर बात करूँ तो यहाँ से आता है न्यू नॉट माइनस म्यू बी बी जेड एच, ये इसके बारे में भी कई बार, इसके बारे में यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं इसे। ये एक फ्रीक्वेंसी वो आ गई थी, ये न्यू वन चाहिए तो ऐसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी डेल्टा भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया स्प्लिटिंग, जिसने कॉपी नहीं किया है तो लोग कॉपी कर लेना आप, क्लियर है। ये हो गया एम एल माइनस वन से एम एल जीरो में रखने पर। अब देखो दूसरा, एम एल इज इक्वल्स टू प्लस वन से एम एल इज इक्वल्स टू जीरो में संक्रमण ट्रांजिशन फ्रॉम एम एल इज इक्वल्स टू प्लस वन टू एम एल इज इक्वल्स टू जीरो, ये है। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, ठीक है, ये है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखो, इसके अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तो एनर्जी, ये तो ई नोट है प्लस म्यू बी बी जेड, ई नोट प्लस म्यू बी बी जेड, तो ये ई टू बोल दिया मैंने इसको, और ये ई नोट प्लस म्यू बी बी जेड, इसको बोल लो एच न्यू टू इज इक्वल्स टू ई नोट, ई नोट को आप एच न्यू नोट बोल लो, एच न्यू नॉट प्लस म्यू बी बी जेड। अगर मैं बात करूँ तो इसमें से एच डिवाइड कर दूँ तो वी टू जो है वो आ जाएगा न्यू नॉट प्लस म्यू बी बी जेड अपॉन एच,
तो न्यू टू का फॉर्मूला तो ये आ गया, बाकी डेल्टा वी का फॉर्मूला वही आएगा जो पहले कैलकुलेट किया था। ये न्यू टू का फॉर्मूला आ गया, बाकी डेल्टा न्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, वी टू माइनस न्यू नॉट होगा, तो वो का वही फॉर्मूला आएगा जो पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये आ गया वी टू का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से अपने को क्या मिलता है, दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, एक तो वो आवृत्ति एक ही आवृत्ति, नई फ्रीक्वेंसी लाइन मिल जाती है। नई फ्रीक्वेंसी का मतलब नए टाइप के फोटोन मिल जाएंगे, मतलब अलग जगह पे लाइन बनेंगे। इसी तरीके से ये स्पेक्ट्रम में लाइन मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो मतलब स्पेक्ट्रम जो बनता है, स्पेक्ट्रम का मतलब लाइन ही तो होते हैं, कहां से कहां तक ट्रांजिशन हो सकता है, तो वो लाइन ज्यादा मिल जाएगी यहां पे। ठीक है, ये हो गया। कई बार ऐसे भी बोलते हैं जीमान प्रभाव के लिए फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूले निकालने होते हैं जीमान इफेक्ट के लिए, फॉर्मूले फाइंड आउट कीजिए, ये फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेना है कॉन्क्लूजन। अतः जीमान प्रभाव के कारण स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। हेंस ड्यू टू जीमान इफेक्ट नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम इंक्रीजेस। ठीक है,